हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे आलू के पकौड़े। आलू पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। तब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने घोल तैयार कर लिया है बेसन का। तब इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हम लेंगे दो आलू। आलू को हम अच्छे से छील लेंगे। अच्छे से छीलने के बाद हम दोनों आलू को हम यहाँ पर धो करके ले लिए हैं। धोने के बाद इसे हम पतला पतला काट लेंगे। इस तरह से हम चाकू से पतला पतला काट रहे हैं। दोनों आलू को हम इसी तरह पतला पतला काट लेंगे। यहाँ पर हम दोनों आलू को चिप्स की तरह पतला पतला काट लिए हैं। तब इसको काटने के बाद हम यहाँ पर बेसन का जो घोल तैयार किए हैं इसमें हम आलू को डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर हम पैन रख दिए हैं गरम होने के लिए। पैन गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद हम गरम होने देंगे। तेल को अच्छे से गरम होने के बाद आलू को हम बेसन में लपेट करके तेल में डाल देंगे। एक कप करके आलू पकौड़ी को हम डाल देंगे। सभी आलू पकौड़ी को डालने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम उलट पुलट करके दोनों साइड आलू पकौड़ी को लाल होने तक अच्छे से तेल में तल लेंगे। पकौड़ी को हम इस तरह से दोनों साइड पलट लेंगे। दोनों साइड उलट पलट करके हम आलू पकौड़ी के हल्का लाल होने तक अच्छे से तेल में पका लेंगे। अच्छे से लाल होने के बाद हम इसे तेल से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा झटपट बनके तैयार हो गया है आलू पकौड़ी। तो दोस्तों, आलू पकौड़ी का रेसिपी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।